गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. व्हाट इज डे टुडे? टुडे इज थर्सडे. एंड व्हाट इज डे टुडे? 16 जुलाई 2020. स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा. आई एम हिंदी टीचर, योर हिंदी टीचर. स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारी हिंदी व्याकरण की बुक में लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 2 बर्न वाला, आई होप कि आपने अच्छे से ही किया होगा. इसमें बुक में ही आपको मैंने वर्क करवाया था. आई होप कि आपने इसे अच्छे से किया होगा. एंड नेक्स्ट जो आज हम करेंगे लेसन नंबर 3, स्वर की मात्राएं. इस लेसन में क्या दिया हुआ है? मात्राओं का उचित प्रयोग. ओके, मात्राओं का उचित प्रयोग, शब्द और वाक्य का ज्ञान. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं. चित्रों को देखिए और खाली जगहों में अड और अड़े, ढे या अड़े लिखिए. अब देखिए इसमें ये कुछ शब्द वर्ण दिए हुए हैं, ये हमने इनमें फिल करने हैं. अब लड़का, अड़े आएगा इसमें. घोड़ा, यहाँ भी अड़े आएगा. पढ़ना, ये अड़े आएगा. आगे है डाकिया, डा अड़े आएगा. डमरू, यहाँ आएगा ढक्कन. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अपने आप से करना है. नेक्स्ट देखिए, चित्र दिए हुए हैं और उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं. सेब, बोतल, किसान, कोयल. बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए. इन चित्रों में व्यंजन है. व्यंजनों के बारे में तो आप जानते ही हैं. इन व्यंजनों के साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं. अब देखिए चिन्ह कौन से होते हैं. जैसे देखिए, स व्यंजन है और इसके ऊपर जो ये स्वर की मात्रा है, कौन से स्वर की मात्रा है? ए स्वर की मात्रा है. ओके स्टूडेंट्स, अब स और ब दोनों व्यंजन है और ये जो मात्रा लगी हुई है ये स्वर की मात्रा है, ए स्वर की मात्रा है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कई चिन्ह लगे हुए हैं. जैसे सेब, म, सेब में से स के साथ ए का चिन्ह लगा हुआ है. अब देखिए जो सेब की मात्रा है, जो जहाँ पर स और ब लिखा हुआ है और से के ऊपर कौन सी मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है? ए की मात्रा का. नेक्स्ट देखिए, ठीक इसी प्रकार सभी चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें कोई ना कोई चिन्ह लगा है. ऐसे चिन्हों को मात्रा कहा जाता है. व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लिखी जाती है. आगे देखिए, स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है. अब देखिए, और यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है. व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्वरों की मात्राएं. अब देखिए, ये सिर्फ हम यहाँ स्वरों की मात्राएं करेंगे. देखिए, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती. आ, आ है, आ की मात्रा का चिन्ह ये है. क, आ, का, काल, किस, ये देखिए शब्द भी लिखे हुए हैं इनके साथ. नेक्स्ट, अब देखिए ये वाक्य लिखा हो, किसान खेत में काम करता है. ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, इ, क, इ, की, किसान, की, क, ई, की, कीमत. उ, का, उ, कु, कुली. क, उ, कु, कूलर. देखिए री, क, री, क्रि, कृपा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ए, क, ए, के, केतली. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारी मात्राओं के चिन्ह हैं. ये चिन्ह है और हम इन चिन्हों से हमने ये शब्द बनाने, शब्दों से आगे वाक्य बनेंगे. अब देखिए, आई, आई की मात्रा का ये चिन्ह है. क, आई, कई, कैलाश. ओ, क, ओ, को, कोट. देखिए ओ की मात्रा का ये चिन्ह है. आउ, देखिए आउ, क, आउ, कौ, कौरव. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे जो है मात्राओं के ये चिन्ह है और इन मात्राओं से ये शब्द लिखे हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड विशेष देखिए एक बार, चलिए हम आज यहाँ तक करेंगे स्वर की मात्राएं. ओके स्टूडेंट, आपने ओनली स्वर की मात्राएं ये लिखनी है अपनी नोटबुक पर और व्यंजन
जो स्वर होते व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन के साथ जब स्वर की मात्राएं लग जाती हैं, उनकी चिन्ह लग जाते हैं, तो उनका जो है रूप जो है बदल जाता है। जो जिसे अब देखिए व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने ओनली यहीं तक रीड करना है इस लेसन को। आपने स्वर की मात्राएं, आपने होमवर्क आपका यही है आरंभक, आपने इसे करना है यहाँ तक। इसे देखिए ड अड़ ढ अड़, ये आपने इन शब्दों से इनको फिल करना है। एंड नेक्स्ट ये आपने इसको रीड करना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।